एनी, जुनैर के मसले में कोई मदद चाहिए? नहीं, हो गया फॉल। Don't ask how. अब तो मैं और भी क्यूरियस हो रही हूँ। Well, Sam told him I have a boyfriend. वो जान ही नहीं छोड़ रहा था मेरी। तो उसने पूछा नहीं कौन है? उसने पूछना क्या है? उसने मुझे खुद बताया। क्या मतलब? उसने मुझे और वहाज को साथ देख लिया और उसे पता चल गया। You know, he has had 25 girlfriends and he knows all about girls. अब तो तुम्हें और भी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जब कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट करती है तो वो उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगती है। But I think I will handle it. I will make sure कि उसे पता हो कि even if I put studies aside, he is not the kind of partner that I want in my life. Tell me, as a friend, what kind of partner would you prefer? मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ, तो मुझे पार्टनर भी पापा जैसा ही चाहिए होगा। एंड आई लव आप दोनों का कपल, मुझे बहुत पसंद है। ओके, लेकिन यू डू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ग्रेट कपल जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता या बना बनाया नहीं आता। दोनों पार्टनर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। पापा और मुझे भी करना पड़ा। वी हैड टू वर्क हार्ड एट आवर रिलेशनशिप। इट्स नॉट इजी, यू नो। बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करनी पड़ती हैं, एक दूसरे को समझना पड़ता है। सो देयर रियली इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पार्टनर। यू लर्न व्हेन द टाइम कम्स, आई गेस। जोया आंटी सही कहती थी, परफेक्ट पार्टनर शायद कोई भी नहीं होते। मतलब परफेक्ट पार्टनर की डेफिनेशन क्या होती है? वो पार्टनर्स जो एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, या फिर वो जो कुछ कहते नहीं लेकिन एक दूसरे के वक्त के लिए 100 बहाने बनाते हैं। God, I need to sleep. And I need to read this book. I read this book in college somewhere. कॉलेज में कॉलेज का काम होता है। ये मेरा घर है, आप मेरी बीवी हैं। ये कॉलेज नहीं जहाँ प्रिंसिपल बनकर मुझ पर रोप चलाएं। इसीलिए मुझे कॉलेज में रहना ज्यादा पसंद है। See you in college. क्योंकि मियाँ बीवी जैसी कोई बात इनके बिहेवियर में कॉलेज के साथ साथ घर में भी नहीं थी। I think after opening the art section, we should open a zoo also here. Zoo actually is jail for animals, Sir Qamar Zaman. Look, we are trying to teach children over here. हमें उनके grades बेहतर करने हैं। आपने उनको ये अजीबोगरीब किस्म की music extra curricular activities में involve कर दिया? Why? One second. Let me show you something, or I'll read it to you. Just one second. Learning through arts and about the arts enriches the experience of studying while at school as well as preparing students for life after school. Just bear with me, okay? Art subjects encourages self-expression, creativity and builds confidence as well as individuals' self-identity. See? खुदा के लिए आर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेपिंग अप अ पर्सनालिटी। आई मीन आई विश कि आपने आर्ट्स की कोई 2-4 क्लासेस ली होती तो शायद यू वर नॉट दिस रिजिड। आई एम गुड द वे आई एम। आई हैव डन एक्सीलेंटली वेल इन माय लाइफ विदाउट ऑल दिस आर्ट्स एंड ऑल दैट थिंग। मे आई कम इन? यस। सर कमर स्टूडेंट क्लासेस अटेंड नहीं करे। दे आर सेइंग कि 2 दिन बाद कॉन्सर्ट है, उन्हें सॉन्ग रिहर्सल्स करनी है। तो आप मुझे क्यों बता रही हैं? बताइए प्रिंसिपल साहिबा को, शी क्रिएटेड दिस डैम मेस। तो इट्स ओके, मतलब कि इफ दे स्किप अ क्लास और टू इट्स फाइन, हम बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे। ओके, थैंक यू। यस, यार ये गाना तो वायरल हो सकता है। हाँ यार, और वहाज तुम्हें याद है ना, तुमने फेमस सिंगर बनने के बाद मेरे टेक अवे के लिए फ्री गाना गाना है। ओए हेलो, फ्री श्री कुछ नहीं होता, खाना खिलाएंगी आप मुझे? हाँ ठीक है। अरे माशाल्लाह, कब्र में जाने के 20 दिन बाद जैसा इंसान दिखते ना, बिल्कुल वैसी पेंटिंग बनाई है उस्मान ने। पेंडू लोग, तुम लोगों को क्या पता एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या चीज होती है। ओह भाज, जुनैर का तो बताओ क्या कहा उसने? कुछ नहीं यार, बस उसने मुझे ये बताया कि तुम मेरे लिए कितनी हॉरिबल लाइफ पार्टनर बनोगी, और ये कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मैं 2 साल बाद अपने आप को मार दूंगा। हाँ, मुझे तो कह रहा था तुम्हें मेरी केयर करनी सिखा रहा है। हाँ, लेकिन तुम उसको ये इसमें से एक बात भी नहीं बता सकती। ओके, मैं उसे पकड़ के सुनाऊंगी, धोखेबाज कहीं का। यार यू एक्चुअली कांट टेल हिम, इट्स ब्रो कोड। मुझे तुम्हें बताने की इजाजत है बिल्कुल नहीं। पर तुमने बता दिया ना। यार अगर तुमने उसे बता दिया ना, तो वह आज के बाद उसके आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, चलता है हमारा लड़कों में इस तरह। हाँ बट यार वो क्या गेम खेल रहा है, we need to sort this mess out। यार don't worry about it, I'll take care of it। और वैसे भी 2 दिन की बेचारी की खुशी है, उसको खुश रहने दो। And अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट इस टाइम में मुझे थोड़ा बहुत फ्री का खाना तो मिल जाएगा ना। वैसे फ्री खाने से याद आया, उस्मान आयशा को खाने पे लेके जा रहा है। ओह हेलो, क्या हो गया गाइस? कोई डेट वेट नहीं है, इजी हो जो। अच्छा देख ले बेटा, अगर तेरे दिल में कोई बबल्स बन रही है ना, तो पहले ही बता दे, क्योंकि लिफ्ट तो उसने तुझे करानी नहीं है। कहाँ वो और कहाँ तू। वो इतनी पढ़ाकू और तुम इतने नालायक। हाँ, वो इतनी सुगड़ सी है और तुम इतने बदतमीज किस्म के इंसान हो। हाँ, और वो सारी नमाजें पढ़ता है, ये सिर्फ ईद के ईद जाके नमाज पढ़ता है। ओ हेलो, जुम्मे के जुम्मे। बाय गॉड, वैसे अगर आयशा मान गई तो ये दुनिया का सबसे ऑड कपल होगा। तुम लोगों को क्या लगता है, मेरी जब गर्लफ्रेंड होगी ना, विक्टोरिया सीक्रेट की कोई मॉडल होगी। तुमने कह दिया और हमने मान लिया। अच्छा अच्छा, मानना पड़ेगा बेटा, और तुम सब अपना आर्ट वर्क कंप्लीट करो, वो सारे आ जाएंगे हेलो पिकासोज, और फिर तुम लोग शक्लें देखना उसकी। एक्सक्यूज मी, कितना? आधे सेकंड का फर्क है। एक दिन नेशनल चैंपियन भी बन जाओगी आप, साथ हुए ना इंटरनेशनल भी जीत जाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर बेटा एक चक्कर और हो जाए। पापा वो आज मुझे कहीं जाना था। कहाँ जाना है बेटा? वो आपको लड़का याद है जिसके घर में जाती थी, हम सब लोग ग्रुप स्टडीज करते थे, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, फिर उसके घर में गई, उसको पढ़ाया, अब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। उसके घर वालों ने मेरे लिए गिफ्ट भी भेजा था, तो उसी के लिए ना वो ट्रीट देना चाहता है। मैं जाऊं? ए बेटा, तुमने मेहनत की है, उसे पढ़ाया है, तुम्हारा हक बनता है। और तुमने पूछा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन एक चक्कर और हो जाए। पापा फिर बहुत लेट हो जाएगा ना, आ जाने दें, कल एक राउंड एक्स्ट्रा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? यस। चलो ठीक है, फिर कल लगा लेना। चले। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, ओ ना मंजिले ना कोई रास्ते, क्यों आवारा फिरूं इन सितारों में। ओ चाय भिजवा दे। बाबा 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 बाबा, I just wanted to say कि thank you for letting me do this. देखो बेटा, मुझे thank you नहीं, मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए. Yes, I'll get it done. पापा और मेरे दरमियान पहली बार इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी. पापा ने मुझे पहली बार मेरे शौक से मना नहीं किया था. और ये देखकर अम्मी उनको दिल से शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन खामोश रही. ऐसे भी लाइफ पार्टनर्स होते हैं जिनमें खामोशी ही सब कुछ कह देती है, लेकिन ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनमें सब जज्बातों का ऐसा ऐलान किया जाता है जैसे सस्ते मंजन का ऐड हो. आयशा, एक बात बोलूं तुमसे? हाँ, बोलो. देखो, मेरा दिल एक छन्नी की तरह है, जो कुछ उसके अंदर होता है सब कुछ बाहर आ जाता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि दिल के अंदर चीजें रखो ना तो गलत फहमियां पैदा होती हैं. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. तो मैं कहना चाह रहा था कि देखो उस्मान, एक मिनट, तुम प्लीज कोई ऐसी बात नहीं कह देना कि... आयशा, मुझे बोलने दो प्लीज. मैं कहना चाह रहा था कि तुम अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, तब भी मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि तुम ना मुझे आंटी टाइप लगती हो, मेरी अम्मी के जमाने की, बल्कि नहीं, उससे भी पुरानी. तुम्हें देख के ना मुझे ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स की याद आती है, और हमारे स्टूपिड दोस्तों को लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ डेट पर लेकर आया हूँ. मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं, तो प्लीज तुम उन्हें बता देना कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को देखो, मुझे देखो, मिसमैच. देखो आयशा, तुमने बुरा तो नहीं मनाया ना? मैं कैसे माइंड कर सकती हूँ? I mean, इतने सच्चे दिल से तो कभी किसी ने मुझसे कोई बात नहीं कही ना, माइंड कैसे करूंगी? बल्कि तुम्हारा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए. थैंक यू उस्मान. लेकिन अगर अब तुम भी माइंड ना करो तो मैं भी कुछ कहूँ? हाँ, बोलो. क्या याद रखोगी तुम भी बोलो, जो दिल में आता बोलो. अगर ना तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना, तो तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती. और तुम मेरी पर्सनालिटी पे क्या बात कर रहे हो कि मैं पुरानी नजर आती हूँ? खुद को देखा तुमने? जोकर हो तुम, जोकर. ओ हेलो, तुम जैसी 36 लड़कियां मरती मुझ पे. खुशफहमियां तो देखो तुम पर नहीं, तुम्हारे साथ 2-4 दिन रहती होंगी ना, तब मर जाती होंगी. ओ बाजी, आंखें चेक कराओ अपनी. आई एम वेरी कूल. कूल नहीं, फूल. तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, इसमें सिर्फ भूसा भरा हुआ है, ऊपर वाली स्टोरी में कुछ भी नहीं है. तभी तो इतना पढ़ाया तुम्हें, तब भी तुम्हें 7 से जाके चीटिंग करनी पड़ी. शर्म आनी चाहिए तुम्हें. सोचा है कभी? तुमने पढ़ाया ही ठीक नहीं था. वो तो मेरी माँ की दुआ थी कि मैं पास हो गया. तुम्हें तो तुम्हारी माँ की दुआ भी ना लगे, इस किस्म के इंसान हो तुम. यू सो अनोइंग. अनोइंग? तो इतनी आराम से खाने पे क्यों आ गई मेरे साथ? तुम ही थे जो मेरे पाँव पकड़ रहे थे कि चलो चलो मेरे साथ. परफ्यूम लेके आए थे ना मेरे लिए, और यकीन करो अभी भी मुझे भूख नहीं लगी हो ना, आधा सेकंड भी मैं यहाँ पे नहीं बैठूं तुम्हारे साथ. तुम मत बैठो, कहीं और से खा लो. वेटर, स्टाफ का खाना इन्हें दे दे, जो ऑर्डर किया है वो वहाँ टेबल पर लगाए. स्टाफ का खाना मैं ऐसी जगह पे खाऊंगी क्यों, जहाँ तुम जैसा घटिया इंसान मौजूद हो. दुनिया का खुद से जीता और हारा, आवारा जिंदगी, आवारा हूँ मैं, आवारा जिंदगी, आवारा हूँ मैं. सितारों से रोशनी लेके उधार। ये दिल आजाद है इसे उड़ने दो। ये दिल आजाद है जो चाहे करने दो। ये दुनिया समाजों ये झूठे रिवाजों की बंदिशों से परे तू अपनी ही धुन का परिंदा है बागी। तू अपनी ही धुन में रहे जो परवाज़ तेरी बुलंदी को चूमे ये है तेरा ही हौसला। ये मनमर्जियां भी है करती मुकम्मल ख्वाबों से देती मिला। Some next level stuff, man. ये तो this is good. You're killing it, man. ये तो viral है. पूरे net पे जा रहा है. You're gonna be like the next big thing, the next Atif Aslam. ये लड़की देख रहा है? ये rock chick है. You know the kind that has a couple of tattoos on the body. Totally your type. तू बोलता है तो date face करवाया था तेरे साथ? Zunaid. Wait, just give me some time. और वैसे भी देखो relationships एक दिन में नहीं खत्म हो सकती हैं. थोड़ा सा time चाहिए होता है. मुझे ये semester दे दो and I'll figure it out, okay? Bro, breakup ऐसे नहीं होता है. तू जा और फौरन उसे बोल कि I'm done with you. सही है? तो उसको बोल कि हमारी नहीं बन रही. It's over. Get over it. I'm done. Zunaid, देखो this is a relationship, not a contract. I got it. तू डरता है उससे? क्या? She softened you, bro. तू डरता है उससे? मैं क्यों डरूंगा किसी से? तेरी जान जाती है Annie sir. You're not a man. I am a man. अच्छा, मर्द है. Exactly. तो जा और Annie को बोल के I'm done with you. We're finished. It's over. Get over it. No, Zunaid. I'm not going to do that, and I cannot do that. Okay. ठीक है. तुम time लो. एक term लो. I can wait. It's fine. So I'm assuming everyone enjoyed the concert. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Concert अच्छा था, but hosting में I think थोड़ी कमी पेशी रह गई. अंग्रेजी बोलती रही, किसी को समझ ही नहीं आया. I think कि मारिया ने सबको entertain करने की बहुत कोशिश की थी, and I think she did a good job, right, guys? Yeah. हाँ, और मंकी क्या जाने जिंजर का टेस्ट? हमारे मुहावरे भी नहीं छोड़ते। Right, guys, ये खुशगवार माहौल है, खुशगवार रहने दें। Ma'am, can I ask you a pleasant question? Of course. Why aren't you married? You're so pretty. I guess मैं सही हमसफर का इंतजार कर रही हूँ। So you're waiting for your Mr. Perfect? The right person, but not the perfect person. असल में मैम ना मेरे मैच्योर होने का इंतजार कर रही हैं। She's gonna be waiting a long time then. मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट बात कहूँ। पता है जब हम ये प्रेशर डालते हैं ना लोगों पे परफेक्ट होने का, वहीं से चीजें खराब होना शुरू होती हैं। हम सब पैदा ही इतने सारे फ्लॉज साथ होते हैं, क्योंकि बात ये है कि हम सब इम्परफेक्ट हैं अपने तरीके में, एंड इसलिए एक ख्वाहिश होती है कि कोई परफेक्ट इंसान आए ताकि वो आके हमें मुकम्मल करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैम, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब रिश्ते बनाने वाले ही इम्परफेक्ट हैं, तो फिर रिश्ता परफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं, मैं बताऊं जब दो लोग एक दूसरे के फ्लॉज इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं ना और एक्चुअली उन फ्लॉज को सेलिब्रेट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स अ परफेक्ट रिलेशनशिप। इम्परफेक्ट लोग ही मिलकर परफेक्ट रिलेशन बनाते हैं। व्हाट एन आयरनी, बट देन अगेन आई गेस लाइफ इज फुल ऑफ आयरनीज। हाँ जी, दे दे पानी। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, कुछ ज्यादा काम नहीं था। वो कलीम साहब है ना जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, वो अपने बेटे को लाए थे ऑफिस बॉस से मिलवाने के लिए। वो क्यों? वो चाहते हैं कि उनके बेटे को इसी ऑफिस में कोई अच्छी सी पोजीशन मिल जाए। का बेटा सीए कर रहा है ना। मैंने अपने 15 साल इस कंपनी को दिए। मैं चाहता था कि अपनी मेहनत और खुलूस के बदले में अपने बेटे की जॉब सिक्योर कर लूं। शायद मैं अकेला बाप नहीं हूं जो अपनी औलाद को सेट करने के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन काबिलियत और मेहनत किसी सिफारिश और ताल्लुक की मोहताज नहीं होती। और फिर यह आपका बर्डन नहीं है। वहाज को चाहिए कि वो अपनी काबिलियत को इतना इम्प्रूव करे कि आपकी कंपनी के साथ साथ 10 और कंपनियां उसको नौकरी दें और उसकी तारीफ करें। आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें। वहाज एक जिम्मेदार लड़का है, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। मैं खाना लगवाती हूँ, आप जाकर चेंज कर लें। ठीक। थैंक यू। तुम्हारी कॉफी। थैंक्स एनी। वैसे यू एंड वहाज आर टुगेदर राइट, लेकिन तुम लोगों की कोई पिक्चर नहीं है एक साथ। तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था। आई मीन यू गाइस आर टुगेदर लेकिन तुम लोगों की कोई पिक्चर नहीं है एक साथ, लाइक इस साल की और पिछले साल की भी नहीं। जुनैद, कैन यू प्लीज गेट ओवर इट? तुम्हारे इस एटीट्यूड से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। पर तुम्हें लगता है मैं एंजॉय करता हूं बहुत? हां, मुझे हमेशा प्यार में रोते लड़के ना फनी लगते थे। इट्स रियली फनी, आई यूज्ड टू लाफ एट देम। और मेरा एटीट्यूड हमेशा ऐसा ही रहा कि आई डिडंट गिव एनी स्पेशलिटी टू एनी गर्ल एंड गिव देम एनी अटेंशन, नो इंपॉर्टेंस, नो वैल्यू, नथिंग। और मेरा एटीट्यूड हमेशा ऐसा रहा कि जैसे मैं स्पेशल हुआ, यू नो, दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक आई एम अ प्राइज एंड दे वांट मी, दे स्टिल डू प्रोबब्ली, दे ऑलवेज वांटेड मी। सिवाय तुम्हारे, यू ट्रीट मी एज इफ कि मैं कोई एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, आम सा लड़का हूँ। बिल्कुल मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। और ये वही बात है जिसकी वजह से मुझे ये खबर भी नहीं हुई कि मेरी फीलिंग्स बदल रही हैं। मैं मजाक बन गया तुम्हारे सामने। कुछ टाइम दो जुनैद, ये फीलिंग्स कुछ देर में दोस्ती में वापस बदल जाएंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मुझ पर इल्ज़ाम नहीं डालना, क्योंकि बात यह ना, ये मामला है फीलिंग्स का और इसमें सिर्फ कसूर है दिल का। कौन इडियट सारी रात बैठे और तुम्हें स्टॉक करे? हाँ, जो टॉफी नहीं मिल रही होती उसी के लिए जिद करके बैठ जाता है। एनी को जुनैद दबे अल्फाजों में कह गया था कि एनी की जान इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं। करता भी क्या, दिल का कोई बटन थोड़ी होता है जो जब चाहे ऑफ कर दिया तो सारी फीलिंग्स खत्म। भाई ये देखें, कॉलेज की लड़कियां आपके पीछे पागल हो रही हैं। पागल हो रही हैं मेरे गाने के पीछे, मेरे पीछे नहीं। अब तुम ना इसके सर पर लड़कियों का भूत सवार नहीं करो। पढ़ाई के साथ जो इसका म्यूजिक का भूत है ना, वो काफी है। अम्मी, मेरी जिंदगी में अभी दूर दूर तक लड़की की कोई जगह नहीं है। ये बस पागल हो गई है और कुछ नहीं है। अम्मी आप मुझे खुद ही बताएं, 1-2 कॉन्सर्ट और करेंगे और मशहूर हो जाएंगे, और इसके बाद एक से बढ़कर एक लड़की इनके पीछे होगी, फिर मैं देखती हूँ कितना दूर भागते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे अब्बू से पहले ना तुम मुझसे पिटोगे। अम्मी देखें, अभी कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, फिर जॉब, उसके बाद जाके कहीं लड़की की बारी आएगी। इसका बस दिमाग खराब है और कोई बात नहीं है। अम्मी आप खुद सोचें, एक दफा बंदा रॉकस्टार बन जाए तो उसको कंपनीज यूं ही हायर कर लेती हैं। 1-1 कॉन्सर्ट के लाखों रुपए मिलते हैं, और एड्स के अलग, जॉब और सेटलमेंट के मामले चुटकियों में सॉल्व हो जाती। और फिर ये रॉकस्टार अपनी किसी चहेती फैन को आपकी बहू बनाकर ले आएंगे और उस लड़की को अम्मी घर का एक काम नहीं आता होगा। तुम जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो, हम्म, और तुम जाओ, जाकर देखो चाय बन गई क्या। देख क्या चाहिए। भाई ये तस्वीर देखो, बहुत पसंद आएगी आपको। अबे इसमें तेरी भाभी का मुंह क्यों बना हुआ है? वो इसलिए कि मेरे साथ गई थी ना। मुंह तो अच्छा तब होगा जब आपके साथ जाएगी, हीरो के साथ। पॉइंट तो है। चल हिसाब दे, फोन दे दे पहले। जहांगीर भाई ने सही कहा था, जब किसी को पाना मुश्किल हो जाता है उसे पाने की तड़प उतनी बढ़ जाती है। दिल तो बच्चे की तरह होता है ना। ये ले पूरे 125 रुपए। अबे साले 20,000 में से ये बचा के लाया। भाई आप ही की तो बात करने गया था तो खर्च हो गए। 10,000 का खाना तो भाभी ने ही खा लिया। बाकी 10,000 क्या तेरे सर्विस चार्जेस हैं? बेटा भाभी को बाहर लेके जाना था, रिक्शे पे थोड़ी जाऊंगा। गाड़ी किराए पे ली, 4,000 उसका, 1,000 का पेट्रोल, उसके बाद 2,000 भाभी ने वेटर को टिप दिलवा दी और उसके बाद 1,175 रुपए की आइसक्रीम खा ली। बाकी के ये पैसे बचे आपको दे दिए भाई। हाँ लेकिन भाभी को बता के पैसे खर्च किए कि मुझे भेजने वाला है, उसने दिए हैं ये सब पैसे। भाई इतना खर्चा करा के भी मेरा नाम नहीं बताया तूने उसको। भाई कैसे बताता, मैंने बात शुरू की तो उस लड़की ने अपने आइडियल हीरो की बातें शुरू कर दी, तो मैंने सोचा कि अगर जहांगीर भाई का बता दिया तो शादी से पहले तलाक हो जाएगी। अरे जहांगीर भाई में किस चीज की कमी है? आयोडीन की। मेरा मतलब वो कहने लगी कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो बहुत डिसेंट हो, और जहांगीर भाई आप में डिसेंट का डी भी नहीं आता। मतलब आप फुल दबंग, लुच्चे लफंगे, बदमाश टाइप के हैं। भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नहीं, भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भाभी ने पूछा वो शरीफ तो है ना, तो मैंने सोचा कि जहांगीर भाई के पूरे खानदान में शराफत किसी के पास से भी नहीं गुजरी। भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नहीं। मगर हाँ मैंने भाभी को बता दिया कि लड़का वर्ड टू वर्ड वैसा है जैसा आपको पसंद है। कहती है मिलवा दो। फिर मैंने कहा लड़का शर्मीला टाइप का है, मोबाइल के दौर में भी मेरे थ्रू पैगाम भिजवा रहा है। एक बार बात हो जाए फिर उसके बाद खुद ही सामने आ जाएगा। भाई ये सारे काम करके ना आपके नाम पे एक दिन शेरवानी भी खुद पहन के बैठ जाएगा। भाई आप वो विलन टाइप आदमी, और भाभी को चाहिए रोमांटिक फिल्मों का हीरो। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आपको अल्टर करने में, वरना मेरा क्या, जाके भाभी को नाम बता देता हूँ। मगर अगर भाभी ने ना कर दी ना तो सारी गलती इस मनहूस की होगी। नहीं नहीं भाई, तू जैसा कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। तू कहेगा बीच में से मांग बना लो, मैं बीच में से मांग बना लूंगा। तू कहेगा टाई लगा लो, मैं वो लगा लूंगा। तू कहेगा मार खा लो, मैं मार खा लूंगा। लेकिन मैं तुझे एक बात कहूँ, तेरी भाभी ने मेरी जिंदगी को जितनी मुश्किल बना दी है, मुझे उससे उतना ही प्यार होता जा रहा है। उसके सिवा रहा नहीं जा रहा यार। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर तेरी भाभी मुझे ना मिली ना, तो इस कॉलेज में तो क्या, इस पूरी दुनिया में नहीं रहेगा, समझा? दिल तो मनमोजी होता है, जब किसी पर भी आ जाए तो मजबूर हो जाता है। जायज नाजायज ये सब नहीं समझता, क्योंकि ये सब तो दिमाग के काम होते हैं, और दिमाग बेचारे का एक बटन जरूर होता है जिसे ये साला दिल टेक ओवर करते साथ ही सबसे पहले ऑफ कर देता है। हाय बिलाल, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कैसे हो? ठीक हो। तुमने कल रात फोन नहीं किया? हाँ, शायद जरूरत नहीं पड़ी। Are you sure? परेशान लग रहे हो। मैम हम दोस्त नहीं बन सकते। क्यों? मैं आपसे वैसे बात नहीं कर सकता जैसे मैं अपने दोस्तों से करता हूँ, क्योंकि आप मेरी टीचर है। पता है बिलाल, जो आपके उस्ताद होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए नहीं होते। एज यू सेड, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, फिर ऐसी बातें जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। तो बीच का जो मिडिल ग्राउंड बनता है ना, वो आपके उस्ताद ही होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के बेस पे दोस्ती होती है, चाहे वो आपके बहन भाई हो, अम्मी अबू हो, उस्ताद हो। तो मेरे लिए तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू नो कि सबसे पहले मैं उनकी दोस्त हूँ, फिर टीचर। और ये सब सीखने से मेरे घर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिलाल, मैं चाहती हूँ कि आप ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, हम अपनी माजी को ना बदल सकते हैं, ना टाल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना उससे छुपा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, हमारे पास में जो कुछ भी हुआ है ना हमारे साथ, एंड आई नो तुम्हारे अंदर बहुत गम भरे हैं, हम उससे सीख सकते हैं, कोई लेसन निकाले, लर्न फ्रॉम इट। यू नो, व्हेन हीलिंग बिगिंस, हीलिंग बिगिंस व्हेन यू एक्सेप्ट योर पास्ट। ओके, दिस हैपेंड, बट नाउ आई गेट टू मूव ऑन। फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव द पीपल हू रॉन्ग्ड यू। That's where it begins. And if you ever need someone to talk to, I'm here. बेटा जी, दूर दूर से बिलाल को देखने का क्या फायदा? इतना ही प्यारा तो उसे बता देना जाके कि लव करती है तू उससे। बकवास बंद करो उस्मान। क्यों तंग करते रहते हो इसको उस्मान? मैं तंग नहीं कर रहा, मैं तो इसकी मदद कर रहा हूँ। नहीं तो मिस जारा और बिलाल की शादी के ऊपर तुम ढोलकी बजा रही होगी और ये बैठी ऊपर चमचे मार रही होगी। सीरियसली मारिया? लाइक बिलाल? नो यार, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। जस्ट अ फ्रेंड? ये जो तुम्हारी आंखों में प्यार है, ये क्या मेरे लिए या फिर इस चश्माटू के लिए? देख सैम, इसकी आंखों में आंखें डाल के देख, प्यार नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे तो सिर्फ वेन्स नजर आ रही है, जैसे गूगल मैप पे डायरेक्शंस नहीं आती। गूगल मैप पे डायरेक्शंस नहीं आती। और ये प्यार व्यार की बातें ना मुझे समझ नहीं आती हैं। मेरी ना शादी हो जाएगी, बस ये प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। मैं तो अरेंज मैरिज करूंगी। बेटा, अरेंज मैरिज में भी ना आजकल 4-5 महीने बात होती है, उसके बाद थोड़ा प्यार श्यार बनता है। और जिस तरह की तू मर्दाना लड़की है ना, लड़के ने ना बोल देनी है। तो क्या हुआ अगर ना बोल दिया तो? मैं इस चश्माटी से शादी कर दूंगी। क्यों चश्माटी? तू मेरे से शादी करेगा ना अगर किसी ने ना की तो? मैं तो पैदा इसीलिए हुआ हूँ ना कि मिस सैम को जहाँ जरूरत पड़े मैं हाजिर। तभी तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, वरना ऐसे चश्मे वाले लोगों से ना हम दोस्ती नहीं करते। और तुम सब यहाँ खड़े होके क्या टाइम पास कर रहे हो? ओए शक्करगढ़ की बस, क्यों बार बार इतने ऊंची हॉर्न मार रहा है, क्या मसला? ओए, तुझे सर कमर ने क्या समझाया था? अब चलो सारी क्लास में। क्लास लेट हो रही है, चलो। सर कमर की जिंदगी में शायद कोई और फन तो बिल्कुल भी नहीं था, सिवाय एक फन के, स्टूडेंट्स को रोबोट्स की तरह पढ़ते हुए देखना, जो इन्होंने अगले कुछ दिन बहुत एंजॉय किया। लेकिन हमारा कॉलेज सिर्फ म्यूजिक की वजह से जाना जाए, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है। सर कमर थिंक्स दैट यू गाइस शुड फोकस ऑन योर स्टडीज मोर and not get involved in any other activity. लेकिन खैर मैंने सर कमर को challenge किया है कि if the students get what they want, they are going to perform even better and their results will be better. Yes. You guys are not going to let me down, right? Yes. Good. So over to you, sir Kamar. Well, Mrs. Catherine Kamar Zaman told me that these extracurricular activities are very important for the students' mental growth. लेकिन it is quite contradictory. Let me tell you that. क्या आप students से कहें गाने बजाने करें, पढ़ाई खुद बखुद आ जाएगी. And I'm sure most of you believe and agree with her. But let me tell you another contradictory reality of life. Fun and pain are quite the opposite. But you can achieve one by doing the other. How? Big classes miss करना चाहते हैं तो miss करें. कैंटीन में टेबल बजाकर गाने गाना चाहते हैं, गाएं, घूमें, फिरें, हाँ? बुरे grades लाएं, क्लासें miss करें, okay? But let me tell you one thing. जब आप असल जिंदगी में कदम रखेंगे, जिंदगी एक-एक miss class, एक-एक बुरे grade का हिसाब लेगी आपसे. बुरे ग्रेड की वजह से बुरी नौकरी मिलेगी, कम पैसे मिलेंगे, बुरा बॉस मिलेगा, जिंदगी एक अजाब होगी जिसको आपको काटना होगा. लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, आज पढ़ेंगे, work hard, you will end up with good grades and good grades will bring good university and good job. And because of good job, कमाई अच्छी होगी, एक अच्छा सा घर होगा, गाड़ी होगी, अच्छा जीवन साथी होगा. Life will be fun from there onwards. Fun. Sir, आपने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की और इतनी पढ़ाई की होगी. Yes, I have put in a lot. But sir, ये सब कुछ करने के बाद, are you having any fun in your life? What do you mean? Any sort of fun? Well, I think I have another class and we will discuss this some other time, okay? All right. Okay. Goodbye, sir. सर कमर बार-बार हम पर चेक रखते थे क्योंकि वो भूल गए थे कि इस बार पूरी क्लास की मोटिवेशन उनका डर नहीं बल्कि मिस जारा का भरोसा था, जिसे कायम रखने के लिए हर बच्चा बहुत संजीदा था, खास तौर पे मैं. ओके क्लास, आप में से मुझे कौन बताएगा कि अल्लामा इकबाल का फलसफाई खुदी क्या है? क्योंकि मैं ग्रीन हूं.